सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं जस्ट किचन में आया हूँ देखने के लिए कि सीमा क्या कर रही है। तो चलिए देखते हैं। वाओ, यहाँ पर चिकन फ्राई हो रहा है और मटर पनीर बन चुका है और मटर पनीर के साथ में ही मिक्स वेज भी बनकर रेडी है, तो बढ़िया है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे हमेशा की तरह। तो हो चुकी है 18 अप्रैल की सुबह और सुबह मैं तो सो रखा था आराम से, और जैसे कि सीमा ने कहा था कि वो उठ जाएगी 4 बजे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आई थिंक ये रात में ठीक से सोई भी नहीं है। अब वो आगे यही बताएगी, पता नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगा था मॉर्निंग में मेरी आँख नहीं खुली, तो मेरे को ना एक वो रहता है, तो डांटे जा रहे मेरे को, देखो उनका चेहरा भी दिख रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी फोटो देखिए, और मम्मी जी भी आ गई हैं, साथ में रुचि है, नीरज हैं और पापा जी हैं। तो दोस्तों काफी मजा आने वाला है आज। नमस्ते नीरज, नमस्ते, बढ़िया। ये मेरे लिए बड़ा वाला। काशी क्या देख के खुश हो रही है? काशी हमें दिखा रही है अब तक उसे क्या क्या सिखाया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो काशी के मामा और मामी आ चुके हैं, छोटे मामा छोटी मामी, बड़े मामा नहीं आ पाए। बड़े मामा नहीं आ पाए क्योंकि बड़े मामा की छुट्टी नहीं मिली, छुट्टी नहीं मिली है। हम आए काशी को बर्थडे पार्टी एंजॉय करने, एंजॉय करने। क्या क्या मम्मी कह रही है, वो ही क्या कर रही है? तो मैंने कहा बिना लेटर के चलता है। अरे क्या बात है, और दोस्तों यहाँ पर बन रहे हैं नाश्ते में सबके लिए पकौड़े। तो ये हैं कुछ पापड़। तो ये पापड़ अभी खाएंगे या खाने में? अच्छा, तो ये बनाई जा रही है यहाँ पे चाय। ये हमने छुपा के रखा हुआ था कास्को की बर्थडे के टाइम पे देंगे, बट पर ये जिद इतना करने लगी देख के वहीं पड़ा हुआ था। जेसीबी कास्को, जेसीबी। तो बर्थडे गिफ्ट यहाँ पे कास्को पहले ही मिल चुका है, उसमें लिखा भी है कि 9600 kg का उठा सकते हैं। अच्छा। तो बन गई है यहाँ पे चाय, क्योंकि चाय ने डांस करना शुरू कर दिया, तो चाय बन चुकी है और पकोड़े भी अपने उफान पे आके पकोड़े पूरे बन चुके हैं। तो बस, और अब निकालते हैं सीमा के लाए हुए कप, जो कि ये गई थी सनी मार्केट, तो वहां से लेकर आई थी। चाय गरम, कॉफी गरम, पीने वाले खुश किस्मत, पीने वाले खुश किस्मत। गाने में वैसे ऐसे पीने वाला, पर यहाँ पर पीने वाले खुश किस्मत। एक्चुअली हम अभी आ रखे थे इन्वाइट करने के लिए, तो काशी के बर्थडे का इन्विटेशन लेने आए थे कि केक कटिंग के लिए। तो मैं उस दिन देख के गई थी जिस दिन कन्या पूजन थी, तो मैंने इनको बोला जबरदस्ती जल्दी आओ जल्दी आओ, भैया ने कुछ बनाया है। तो ये 35,000 नोट है इसके अंदर, जो पुराने करेंसी थी हमारी इंडिया में नोटबंदी से पहले, तो इनमें उन्होंने 35,000 लगा रखे हैं पूरे। और ये देखिए बुलेट बनाई हुई, क्या और ये मिरर के ऊपर है, ये मिरर के ऊपर उन्होंने देखो खाना चाहिए। और ये देखो ये बना रखा उन्होंने हल्का। अच्छा, ये उसका थॉर का, ये देखो एग्जैक्ट बनाया हुआ है, बढ़िया है। पॉइंट्स ट्री, बढ़िया। अगर ये नई करेंसी होती तो हम लेके भाग जाते, हम लेके चले जाते। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 12:30 और मैं और सचिन लेने जा रहे हैं केक। तो मैं दिखाता हूँ कि हमने केक कहाँ से ऑर्डर किया है।
वैसे तो हमने केक वहीं से ऑर्डर किया जब काशी का फर्स्ट बर्थडे था, तो वहीं से ऑर्डर किया। बाकी जब वहाँ पे पहुँचते हैं वहाँ जाके दिखाते हैं। ये है बोहरा बेकरी एंड केक पॉइंट जहाँ से कि हमने केक ऑर्डर किया है, और ये हैं हमारे पहाड़ी भाई जिन्होंने केक बनाया है और बहुत अच्छा केक बनाते हैं ये। और केक यहाँ पर रेडी कर दिया है भाई ने और बहुत सुंदर लग रहा है सही में। बस डर इस बात का है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो मेल्ट ना हो जाए, तो आराम से लेकर जाते हैं बस और निकलते हैं सीधे घर की तरफ। तो दोस्तों अभी केक वहाँ पे पैक हो रहा है, तो समोसे भी लेके जाने थे, तो हम यहाँ पे समोसे वाले भाई के पास आ गए हैं जो कि पप्पू हलवाई है, जहाँ से हम हमेशा समोसे खाते हैं ले जाते हैं, तो बस यहाँ से समोसे लेके चलते हैं। तो दोस्तों मैं केक लेकर आ चुका हूँ घर, और घर आते ही देखा कि काशी भी रेडी हो गई है, बहुत सुंदर लग रही है और साथ में खेल रही है दीदी के। ये गुड़िया है जिनके बर्थडे में अभी हम कुछ दिनों पहले गए थे, और आज वो काशी के बर्थडे में आई हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काशी काफ़ी इंजॉय भी कर रही है। मम्मी जी के गुब्बारे अलग ही फूल रहे हैं। तो ये है दोस्तों छोटी सी डेकोरेशन जो कि हमने केक कटिंग से जस्ट पहले ही डेकोरेट करी है। बस दोस्तों कुछ ही देर में होने वाली है केक कटिंग, और काशी को रेडी कर रहे हैं। रेडी तो वो पहले से ही हो गई है, लेकिन वो होता है ना कि बर्थडे के दिन हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बच्चे प्यारे लगें और बहुत सुंदर लगें, तो वही तैयारी कर रही है सीमा अभी। काशू के दिन सावे भाई। वाह काशू क्या बात है, परी बनते हुए बन के तो बटरफ्लाई है। हाँ ये अब दिखा दो जरा दर सभी को। अरे वाह उड़ के जाएगा सीधा बगरपुर साठ फीटा रोड सुनील डेयरी के पास है। केक सामने रखा हुआ है टेबल पर और सब कर रहे हैं बर्थडे गर्ल का वेट, और बर्थडे गर्ल भी आ चुकी है। आ जा चूहा। जैसे ही हमने केक ओपन किया तो थोड़े से अपसेट हो गए थे, क्योंकि जो शुगर पेस्टिंग से टू बनाया गया था केक के ऊपर वो आधा गिर गया था। सीमा ट्राई कर रही है कि किसी तरह से जो टू है वो पूरा बना दिया जाए। दोस्तों कुछ इस तरह से बनवाया है केक जो कि पाइनएप्पल और चॉकलेट मिक्स है। आप लोग बताना कि कैसा लगा आपको। Happy birthday to you, Karthik. Happy birthday to you. Start, Riya. जी बर्थडे भी है। थैंक यू सो मच। काशी देखो दीदी गिफ्ट लेके आई है आपके लिए। अरे क्या बात है, पैसे बहुत जल्दी ले रही है ये। तो नाना और नानी जी आ चुके हैं। क्या बात है, तो ये आ चुके हैं काशी के चाचा और चाची। क्या बात है। ये और डांस तो हो रही।
डांस अभी करते हैं, डांस करना है सीमा? नहीं अभी बर्थडे पार्टी में डांस ही था, डांस होगा, डांस होना बहुत जरूरी है, डांस होगा एनिवर्सरी पार्टी में, क्योंकि जो हम केक खाएंगे केक खाने का थोड़ा सा पचाने के लिए डांस करना जरूरी है, तब जाके हम खाना खाएंगे। ये समोसा तो मैं ना करूंगा, ना भैया बहुत भर गया वैसा। किसने निकाला है जो पापा को दो समोसे? पापा ने भी निकाला। तो ये समोसे हमने पकड़ा दिए हैं अभी रुचि को, ये समोसे जो हैं पप्पू हलवे के समोसे, और हम 28 साल से समोसे खा रहे हैं, और आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है नीरज रुचि को समोसे खाने का, वो भी पप्पू हलवाई के। पप्पू हलवाई के आज हम भी जानते हो पप्पू को कौन है? रुचि जानती है पप्पू कौन है? अब जान जाएगी ना आगे। अरे क्या बात है, नन्नू पठानी बना हुआ है। तो जब भी कोई फंक्शन होता है तो रुचि बड़े अच्छे से ख्याल रखती है, स्पेशली बच्चों का, और आज भी कुछ ऐसा ही है, और काजी आराम से सो गई। दोनों अपने बच्चे को ऐसे सुला रहे हो, ये देखो वो करा, हो सकता है करो, हो सकता है, देख रहा मैं तो बच्चे नहीं सुनवाते भाई, चश्मा और टाव में लगा रहा हूं काजी को आज की यहां पे नींद चलो पड़ गई। गिफ्ट लेके आई और सबके सब कैमरा खोल के खड़े हो। यहाँ पे ऐसे होता है मम्मी जी, अगर गिफ्ट इतना सा भी होगा ना तो हम सब कैमरा लेकर पहले पैसे पकड़ रहा है वो। तो ये प्यारी सी ड्रेस दी है सासू जी ने वैदिक के लिए, और ये अभी सीमा को गिफ्ट्स मिले जा रहे हैं, और जो भी गिफ्ट मिले हैं वो आपको दिखाएंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। अरे वाह, अरे बातों तुम इतनी इंग्लिश बोल लेती हो। वो इतनी लिख लेता है मैं बोल नहीं सकती। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें लिखा है जीजू हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बट फैमिली, जीजू ही लिखा है, दी भी तो लिखा होगा, ये जीजू लिखा है, इसमें दी और जीजू भी लिखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट फैमिली को कि आप लोग आए, बस लेकिन ये थोड़ा सा खेद है कि हम भाई नहीं आ पाए, बहुत ज्यादा थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा है, मीडिया को भी बहुत बुरा लग रहा है बेचारे को, उसने मैसेज भी किया था मुझे, तो जो लिफाफा मुझे मिला है हमेशा की तरह मैं देता हूँ सीमा को, फिर वापस ले भी लेता हूँ। गर्म करते हो मेरी तारीफ की, कह रहे देखने में सही लग रहा है, उनका खाने के बाद बोल रहा पापा। तो ये बन चुका है यहाँ पे जीरा राइस, रायता, मटर पनीर, रायता भी आ गया, मटर पनीर, मिक्स वेज, यहाँ पर है सलाद, और ये है चिकन, जो है वेजिटेरियन वो खाएंगे वेज मटर पनीर और यहाँ मिक्स वेज, और जो नॉन वेज है उनके लिए बना है यहाँ पे चिकन। आप फिर भी लुका चुपी अभी से, बाय बाय कर रही है बाय बाय। टाइम हो गया है यहाँ पे 6:25 और शाम की चाय बन रही है, मेहमान नवाजी कर रही है, हाँ फुल मेहमान नवाजी चल रही है, कोई बात नहीं काशी, कोई बात नहीं, जो हाथ में वो दे दो। ये देखो भाई सोच बनाया जा रहा है यहाँ पे मामा और मामी के द्वारा, तू भी जा रही है क्या बदरपुर है, नानी गांव जा रही है क्या? मेरे साथ आएंगे? हाँ चलो चलो मेरे साथ। तो ये हैं दोस्तों कुछ अंतिम पल, मम्मी जी पापा जी और नीरज रुचि निकल रहे हैं वापस घर के लिए। तेरे को भूल गई हुआ मामी क्या गया अपनी। अच्छा सर जी नमस्कार, गांव जा रहे हैं सब हैं? चल रहे हैं परिवार की।
तो बर्थडे फंक्शन का एंजॉय लेने के बाद आप सब चल दिए हैं घर की तरफ, घर की तरफ चल दिए हैं, पर आज एक चीज मिसिंग रह गई और वो रह गया डांस। डांस मिसिंग हमेशा क्या होता था कि जब भी हाँ बेकार मजा खिला दिया बहुत ज्यादा उसके बाद डांस करने का मन ही नहीं किया है, तो डांस नहीं हो पाया इस बार, लेकिन कोई बात नहीं, मजा बहुत आया। तो गली से निकलकर हम आ चुके हैं बाहर मेन रोड पे और सामने ही है मेट्रो स्टेशन, तो अभी हम सोच रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन तक ही साथ चले जाते हैं। और मेट्रो स्टेशन में आते ही नन्नू और काशी के मजे आ गए, बस इनको खुली जगह चाहिए होती है खेलने कूदने के लिए और इन दोनों की मस्तियाँ शुरू। ये दोनों देख रहे हैं, इन दोनों बंदरों को भैया मम्मी इन्हीं को संभालती रह जाएगी। बाय बाय क्या आया काशी के लिए। तो ये हैं भैया भाभी और उनका बेटा अर्थव, सेम बिल्डिंग जिसमें हम रहते हैं उसी के फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और काशी के लिए प्यारा सा गिफ्ट लेकर आए हैं, दोनों चाहिए उसको। ऐसी पैकिंग देखकर काशी से वेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और वो पूरी कोशिश कर रही है खुद से कि किसी तरह खोल दे बस। तो दोस्तों जितने भी गिफ्ट्स काशी को मिले हैं उसके बर्थडे पे, तो उसकी अनबॉक्सिंग हम नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे, तो काफ़ी मज़ा आएगा नेक्स्ट ब्लॉग में भी क्योंकि हमको भी कुछ गिफ्ट मिले हैं एनिवर्सरी में, तो देखते हैं, एक्साइटेड हैं। ये 3 टी शर्ट्स लिए हैं हमने भाइयों के लिए जिन्होंने हमारे घर में झूमर लगाए थे, तो जब हम गए थे लेने के लिए फैमिली के लिए कपड़े तो तभी हमने ये टी शर्ट्स भी ले ली थी। तो दोस्तों पार्टी हो चुकी है ओवर और काफ़ी मज़ा आया आज पूरे दिन भर में, और आई होप आप लोगों को भी ब्लॉग देखने में काफ़ी मज़ा आया होगा, और आपकी शुभकामनाओं के लिए आपकी ढेर सारी विशेष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपना प्यार हमेशा यूं ही बनाए रखना। और मैं बता दूं आपको कि अभी बज रहे हैं रात के 11 और हम अभी खाना खा रहे हैं, और लेट इसलिए हो गया क्योंकि सीमा थोड़ी सो गई थी, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट नाइट वो बहुत कम सोई थी ना के बराबर, तो इसलिए उसको नींद आ गई थी अभी, इसलिए हम लेट हो रहा है खाने में। अभी यहाँ पे दूध गर्म किया जा रहा है, ये है दोस्तों और है मिठाई। क्या मिठाई है? अरे वाह, तो ये मिठाई है दोस्तों, वैसे ये ना मेरी फेवरेट है, ये मेरी फेवरेट और मेरी फेवरेट ही आगे वाली है। इसे क्या बोलते हैं वैसे, इसे क्या बोलते हैं? इसको डोंडा बर्फी, ये नहीं पता क्या है। तो दगड़ियों ये मिठाई आई है म्यार ससुराल बटिक। बस दोस्तों इसी के साथ में करते हैं आज का ब्लॉग एंड, और आज जो भी काशी को गिफ्ट मिले हैं कल उसकी होगी अनबॉक्सिंग, तो कल वाली वीडियो भी आप लोग जरूर देखना। और अगेन आप सबकी विशेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग स्वस्थ रहें मस्त रहें और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बने रहे। सॉरी दोस्तों, जय सम।